आज मैं करने वाला अपनी जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस बाय लैंड। और अभी हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है बॉर्डर का। अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई? मेरे एक दोस्त से उन्होंने उसका फोन मांग लिया और उसकी फोटोज वगैरह गैलरी स्क्रॉल की। भाई साहब 2 लाख की नोट ठीक हो गया? 25 हो गया, गुड। ओके क्या ना दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ अपनी जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस बाय लैंड। जी हाँ, एक्चुअली चल के बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ मैं कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का। मैं अभी हूँ कजाकिस्तान के सिटी शिमकेंत में। यहाँ मैं सुबह ही पहुँचा हूँ, आज 2 घंटे पहले फ्लाइट से अस्ताना से आया हूँ मैं यहाँ पर। और अभी मैं खड़ा हूँ कोलोस टैक्सी स्टैंड पर। आप एयरपोर्ट से कोलोस टैक्सी स्टैंड आ जाइए, यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। तो एयरपोर्ट से कोलोस टैक्सी स्टैंड तक आने में मुझे लगे हैं 1400 टेंगे, जो कि होता है अराउंड कुछ 300 रुपये के आसपास मान लीजिए आप इंडियन रुपीज़ में। तो वहाँ से पहले आपको यहाँ पहुँचना है और उसके बाद इधर से आपको करनी है टैक्सी। जैसे आप कोलोस टैक्सी स्टैंड पहुँचेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जो टैक्सी वाले जो आपको कहेंगे कि आ जाओ, क्योंकि सबको पता है कि आप ताशकंद जाने के लिए ही इधर आए हैं। तो आपके पास जैसे ही आप लोग आपकी गाड़ी रुकेगी ना, भागते हुए लोग आएंगे आपके पास कि भाई चलो हमारे साथ चलो, फिर आपको उनका थोड़ा मोलभाव करना है। तो अभी हमारे साथ अभी क्या हुआ है कि हमारे पास आया टैक्सी वाला और हमको बोला कि 2000 टेंगे पर पर्सन, ठीक है, और प्राइवेट टैक्सी। तो हमको थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि हम लोग पढ़े गए थे, तो देखा था कि 1000 होता है शेयर टैक्सी के लिए। तो हमने भाई थोड़ा मोलभाव करने का ट्राई किया और मोलभाव करने के बाद हमने बोला कि 1000 टेंगे पर पर्सन। तो 1000 में वो नहीं माना, और कम्युनिकेशन की दिक्कत होगी तो गूगल ट्रांसलेट ऐप जरूर लेके आना, उसके थ्रू ही आपका सारी बातचीत होगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1500 पे। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, तो हमने कहा कि 5000 पे वो नहीं माना। उसके बाद फिर हमने पूछा कि 6000 जो है वो प्राइवेट टैक्सी के लिए है शेयर टैक्सी के लिए? तो उसमें उसने बताया कि वो शेयर टैक्सी के लिए, प्राइवेट के लिए आपको 8000 देने होंगे। 8000 हम लोग नहीं माने, फिर उन्होंने कहा 7000, उससे भी हम लोग नहीं माने, फिर 7000। तो फाइनल हमारा 7000 में डील हुई है। तो 7000 टेंगे फॉर 4 पीपल प्राइवेट टैक्सी। इसमें में हम लोग जा रहे हैं ताशकंद बॉर्डर। अभी वहाँ पर जाकर देखते क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, बट आप लोग भी ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। भाई अपन अभी रुके हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवा रहे हैं ये गाड़ी में, और इन्होंने पेमेंट हमसे अभी ले ली है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये है भाई अपनी गाड़ी, 4 सीटर गाड़ी है, बहुत आराम से सामान आ गया 4 लोगों का, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर 4 या 3 लोग आ रहे हैं आप, तो ये पूरी टैक्सी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इसमें लगे हमारे 7000 टेंगे पर पर्सन, मान लो आप 1750 पड़ गया हमको, और वो हो जाता है कुछ 350 रुपये के आसपास अगर आइनर में देखें हम। तो ठीक है, 350 रुपये 2 घंटे, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, 120-130 किलोमीटर है, तो सही है, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। और वहाँ पे जाके अभी हम लोग देखते हैं, कुछ हमारे जो पैसे बचे हैं, टेंगे बचे हैं, वो देखेंगे कि एक्सचेंज करवा लें USD में बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। बट हाँ, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:20, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग बॉर्डर तक। भाई अपन पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर, अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स ही लगा सिर्फ, और डिस्टेंस को तो कुछ 100 किलोमीटर से भी ऊपर था। मस्त भगा के लाए हैं भैया, 120 स्पीड पर भगाई है, तो ठीक है टाइम से पहुंच गए हैं। अभी ये भैया ये खुद बोल रहे हैं जो ड्राइवर हैं कि भाई मैं पैसे एक्सचेंज करवा दूँगा। तो हम लोग के पास जो टेंगे बचे हैं वो हम लोग सोम में कराने वाले हैं एक्सचेंज, और बाकी जो USD हम लोग लाए थे वो बाकी वहीं कराएंगे उज़्बेकिस्तान में जाके, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज इतना अच्छा मिलेगा नहीं। तो ये सीन अभी कराते हैं, इसी जैसे बताता हूँ कि कितना मिल रहा हमको।
तो भाई टेंगे हमने एक्सचेंज करवा लिया है। करंट जो चल रहा था वो था 1 टेंगे = 28.27 सोम, ठीक है। और इन्होंने हमको दिया है 1 टेंगे = 27.5 सोम। तो हम लोगों ने कुछ 9000 के आसपास टेंगे एक्सचेंज करवाए हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं हमको, सिर्फ मतलब मान के चलो कि 40 रुपये का नुकसान हुआ है, तो वो तो इतना चलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हमने तो करा लिया एक्सचेंज, और अभी हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है बॉर्डर का। भाई डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मैं तो ई वीज़ा लेके आया हूँ। ई वीज़ा की कॉस्ट होती है $20 और उस वो वैलिड होता है 30 दिन के लिए। ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि ई वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है उज़्बेकिस्तान का, सारी चीज़ें मैंशन करी है मैंने उसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या फोटो रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ है उसमें, तो वो आप दे सकते हैं। और उसके अलावा मैं होटल बुकिंग्स लेके आया हूँ अपनी पूरे स्टे की, और पासपोर्ट लेके आया हूँ, बस इतना ही लेके आया हूँ मैं। देखते हैं यहाँ पे ये लोग क्या क्या चेक करते हैं, फिर बताता हूँ आपको। A few moments later. तो भाई इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मैं उज़्बेकिस्तान में एंटर कर चुका हूँ। एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस था इमिग्रेशन क्लियर करने का। तो सबसे पहले हम लोग घुसे कजाकिस्तान के बॉर्डर कंट्रोल में, वहाँ पर अंदर घुसते ही हमसे पूछा गया कि आप कितने USD लेके आए हैं। तो USD के मैंने डिटेल्स भी उनको दिखाया कि कितने USD हैं, INR भी हमने उनको दिखाया, बट उसमें वो इंटरेस्ट थे नहीं, तो USD में ही उनको इंटरेस्ट है। उसके बाद हम लोग लगे पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन में हमको लगे होंगे अराउंड 20-25 मिनट, तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी लंबी लाइन आपको उतना टाइम लगेगा उसमें। और क्वेश्चंस की बात अगर करें तो उन्होंने ये पूछा कि आप कितने दिन के लिए उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, कजाकिस्तान में कितने दिन के लिए थे और क्यों जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, ये सब चीज़ें पूछी। उसके अलावा रैंडमली चीज़ें पूछते हैं वो, मतलब मेरे एक दोस्त से उन्होंने उसका फ़ोन मांग लिया और उसकी फ़ोटोज़ वगैरह गैलरी स्क्रॉल की, तो पता नहीं उनको शक हो गया जो भी सीन था, पता नहीं क्यों किया, रैंडमली कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं, पर बाकी तीनों से कुछ नहीं पूछा और सिर्फ एक दोस्त से उन्होंने उसकी गैलरी वगैरह चेक की, तो ये सीन हो सकता है, तो उस हिसाब से देख लेना आप। उसके बाद हम लोग उससे उज़्बेकिस्तान की टेरिटरी में, वहाँ पर भी जाके हम लोग लगे पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन में, उधर ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ उधर तो कुछ पूछा ही नहीं, उधर सिर्फ उन्होंने वीज़ा मांगा, तो आप ई वीज़ा की कॉपी हैंडी रखिएगा, ई वीज़ा मांगेंगे और पासपोर्ट मांगेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई होटल बुकिंग कहीं नहीं मांगी, और उसके अलावा फ्लाइट टिकट्स किसी ने नहीं मांगी, ना कजाकिस्तान में ना उज़्बेकिस्तान में, सिर्फ ई वीज़ा हमसे मांगा गया। बट स्टिल मैं रेकमेंड करूँगा कि आप होटल बुकिंग्स वगैरह हैंडी रखो, क्या पता किसी के मन में आया वो मांग ले। तो ये तो था पूरा प्रोसेस पासपोर्ट कंट्रोल का और इमिग्रेशन का। अब उसके बाद हम लोग ताशकंद उज़्बेकिस्तान में एंटर कर चुके हैं प्रोसेस क्लियर करने के बाद। यहाँ पर आपको जैसे ही आप लोग क्लियर करके आओगे ना प्रोसेस लाइन से, आपको टैक्सी वाले मिलेंगे और टैक्सी चलाएंगे, तो आप लोग उस हिसाब से देख लेना या आपको उनके थ्रू जाना है या यंडेक्स चेक कर लेना कि यंडेक्स के थ्रू जाना है। तो हम लोग भी अभी देखते हैं कि यंडेक्स से जाएंगे या ऐसे इन लोगों के से टैक्सी करके जाएंगे। और यहाँ पे बसेस भी घूम रही हैं, बसेस का हमको ज़्यादा आइडिया है नहीं, ये देखो ये सब इधर बसेस लगी हैं लाइन से, और उधर से देखिए यहाँ से आते हैं आप, इधर से आप लोग आते हैं जब इन्वेस्टमेंट क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ से आप लोग आएंगे और लाइन से आपको यहाँ टैक्सी वाले मिलेंगे। तो ये सीन है भाई। और अभी सीन क्या है कि हमारा जो होटल है, और मोस्टली होटल्स जो उज़्बेकिस्तान में है ना, वो पेमेंट जो है बाद में सब करते हैं, मतलब जब ऑनलाइन आप होटल बुक करते हो तब नहीं मांगते पेमेंट। तो हम लोगों ने जितने भी होटल बुक किए सारे booking.com से किए, और उसमें किसी में भी पैसे नहीं कटे हैं, मतलब कार की डिटेल्स उन्होंने मांग ली बट पैसे नहीं कटे हैं, पैसे हमको जाके वहीं पर देने हैं होटल में। और जो होटल हमने बुक किया है उसमें तो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसको चाहिए सिर्फ कैश। तो इधर से हम लोग कैश लेके जाएंगे, अराउंड 13 लाख करेंसी हमको उनको देनी है। तो करेंसी की बात कर ही लिया, तो बताया था आपको कि उज़्बेकिस्तान की करेंसी जो है उसका नाम है सोम, और वो बहुत ही वीक है, 1 INR = around 150 सोम, तो समझ लो आप 1 रुपया = 150 यहाँ की करेंसी के बराबर है। और यहाँ पे हमको 50,000 का नोट भी मिला जब हमने कजाकिस्तान में पैसा एक्सचेंज करवाया ना, तो 50,000 का नोट मिला, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए भाई 50,000 का नोट मिला है। और मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे 2 लाख तक के नोट भी चलते हैं, तो भाई देखते हैं 2 लाख का नोट कहीं मिलता है तो। बट सीन ये है कि हमको अभी कुछ 13-14 लाख सोम एक्सचेंज करवाने हैं और जाके होटल वाले को देने हैं, तो देखते हैं यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का क्या सीन है, यहाँ से कराते हैं या फिर
सिटी के अंदर जाकर आएँ। ऑब्वियसली यहाँ पे तो रेट अच्छा मिलेगा नहीं, तो मोस्ट ऑफली हम सिटी में जाकर आएंगे, बट लेट्स सी। तो मैं आपको टैक्सी का सीन बता देता हूँ। टैक्सी का हम लोग देख रहे थे अपने होटल तक यांडेक्स से, तो वो पड़ रही थी अराउंड 50,000 सोम, और जो 50,000 सोम होता है वो कितना बनता है पता नहीं कितना बनेगा यार, डिवाइड बाय 150 कर लो उसको, मतलब 300-400 रुपये कुछ पड़ेगा। और हम लोग को दो टैक्सी करनी पड़ती क्योंकि एक में चार लोगों का सामान आता है नहीं, तो मान के चलो कि 100,000 सोम देने पड़ते। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से जो ये टैक्सी वाले घूम रहे हैं इनसे पूछा भाई कितने लेके जाओगे, तो ये चालू हुए 1.5 लाख से, 1.5 लाख सोम से चालू हुए, मतलब कि कुछ 1,000 रुपये। उसके बाद कम हमने बोला कि नहीं भाई 50,000, तो 50,000 देख के हंसने लगे। फिर हमने कहा 60,000, 60 में नहीं माने। फिर हमने कहा 70 वो नहीं माने। फिर वो आ गए अपने आप नीचे 120 पे आ गए, 120 पे हमने कहा नहीं ज़्यादा है। फिर वो बोले 1, हमने कहा नहीं ये भी ज़्यादा है। फिर मैंने फाइनली कहा कि भाई 80,000, कैलकुलेटर में दिखाया उसको कि 80,000 ये फाइनल है। तो फिर वो उसने पूछा कि होटल की लोकेशन दिखाओ, क्या लोकेशन देखी उसने, कहा ठीक है ओके। तो 80,000 सोम में हम लोग जा रहे हैं, 80,000 सोम कितना बनता है मतलब एग्जैक्ट बताने में 550 रुपये कुछ बनता होगा, और 20 किलोमीटर दूर होटल है, तो सही है, मतलब बहुत सस्ता ही है भाई यहाँ पे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है, क्योंकि तेल एक्चुअली पेट्रोल यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, आधे रेट के मान के चलो इंडिया का, तो 20 किलोमीटर का 550 रुपये सही है। तो उसका सीन ये हो गया टैक्सी का। और सिम कार्ड का सीन ये है कि सिम कार्ड यहाँ पे मिल रहा है 70,000 सोम में, उसमें मिल रहा है 24 GB का डेटा और 1 महीने की वैलिडिटी। तो और वो कंपनी है यूजी टेलीकॉम, इस कंपनी का सिम मिल रहा है यहाँ पे, तो ये सीन हो गया सिम कार्ड का। और एक्सचेंज का रेट यहाँ पे अभी हमने जस्ट पता किया है, तो वो मिल रहा है एक USD का 12.5 लाख मिल रहा है यहाँ पे। और तो भाई अभी हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं कि यहाँ से लेना चाहिए या फिर जाके सिटी से ही लें, तो उसका सीन अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे लोग ऐसे हाथ में नोट ले घूम रहे हैं, तो भैया मतलब जैसे आप आओगे तो ऐसे आपके पास आएंगे कि भाई करा लो एक्सचेंज, तो आप लोग भाई देख लेना अपने हिसाब से, जो रेट सही लगे वो उससे ले लेना। अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई, अरे भाई 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 क्या कर रहे हो भाई, अरे 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 किसको किसके पीछे आ रहा है ये, ये डाल दो फीडबैक, ऐसे डाल दिया प्लेन से आने से जरूरी रहता है। भाई साहब 2 लाख की नोट ठीक हो गया, 25 हो गया, गुड ओके, हाँ चेक करेगा सही भाई, गुड भाई। करेंसी एक्सचेंज हम लोगों ने करा लिया, वही 1 USD इक्वल टू 12,500 सोम मिल रहा था, तो हमने हिसाब लगाया तो 100 USD में अराउंड 112-113 रुपये का नुकसान हो रहा था बेस्ड ऑन आज का जो करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो फिर सोचा कि 200 USD करा लेते हैं यहाँ से एक्सचेंज, सिटी सेंटर में भी जाके कराएंगे, अगर ATM से निकालेंगे तब तो 500-600 रुपये लगेंगे, और ATM से नहीं निकाल रहे हैं तो फिर भी क्या पता क्या रेट मिले वहाँ पे, तो सोचा कि यहीं करा लेते हैं 200 और जाके सीधा कैश पकड़ा देंगे होटल वाले को। तो ये सीन तो हो गया एक्सचेंज का, तो देख लेना आप 2-3 लोगों से पता कर लेना यहाँ पे, उसके बाद ही करना, ऐसे पहले बंदा जो मिले उसके वो जो रेट दे रहा हो उस पर मत चले जाना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होनी चाहिए, टैक्सी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स फिर करेंसी सिम कार्ड सब मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम टू माई बेस्ट। एंड अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पहला दिन है आज ताशकंद में, आगे मैं बहुत सी वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ ताशकंद, समरकंद, बुखारा, बुलेट ट्रेन, सब चीज़ों के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, मिलते हैं अगली वीडियो में।